अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। श्री कृष्ण कहते हैं, बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य पछतावा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, एवं यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकलने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे मन की जरूरत होती है। सुखी वही रह सकता है जिसे पता चल चुका है कि पूरे संसार में कोई सुखी नहीं है। मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, बस हम याद उसी को रखते हैं जो हासिल ना हो सका। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा करें, ईश्वर के फैसले हमारी चाहतों और ख्वाहिशों से बेहतर होते हैं। एक आदमी ने एक बुजुर्ग से पूछा, त्योहार मनाने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? बुजुर्ग ने प्रेम से कहा, मृत्यु से एक दिन पहले। आदमी बोला, मौत का तो कोई वक्त नहीं होता। तो बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, तो जीवन का हर दिन आखिरी समझो और जीने का आनंद लो। श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी आस्था की कड़ी परीक्षा तब होती है जब आप जो चाहें वो आपको ना मिले, और फिर भी आपके दिल से ईश्वर के लिए धन्यवाद ही निकले। अगर किसी का सुख देखकर आपको दुख हो तो ईश्वर ने आपको बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी हर यात्रा संभव है, सिर्फ वही यात्रा असंभव है जो आपने अभी तक शुरू नहीं की है। सेल्फी के बजाय किसी का दुख खींचकर देखो, दुनिया क्या खुद ईश्वर भी लाइक करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अपनों के पास रहना है तो शांत रहना सीखो, और अगर अपनों के दिल में रहना है तो कोई बात दिल पे लेना छोड़ दो। गुरूर कभी ना करना, बस इतना झुक के रहना कि हर दिल आपको दुआ देने के लिए मजबूर हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों की परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग तो ये सोचकर परेशान रहते हैं कि ये सामने वाला इतना खुश क्यों है। एक अच्छी मां हर किसी के पास होती है, लेकिन एक अच्छी औलाद हर किसी के पास नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है
तो नकारात्मक लोगों के प्रति बहरे हो जाओ। सफल इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान सफल जरूर होता है। सिर्फ आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, वरना कपड़े तो कोई भी साफ पहन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको जो मिला है आपके भाग्य से ज्यादा मिला है। अगर आपके पैरों में चप्पल नहीं है तो अफसोस कभी ना करें, क्योंकि आपने कुछ लोग तो ऐसे भी देखे होंगे जिनके पास पांव ही नहीं है। जिंदगी में मुस्कराने की वजह मत खोजो, बस हमेशा मुस्कराते रहो, क्योंकि उदास और निराश दिलों को हमदर्द के साथ साथ हम सफर भी नहीं मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में इतना संघर्ष जरूर करें कि आपके बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। अच्छी किस्मत वाले वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो लोग अच्छी किस्मत वाले होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धन कमाने से घर में अच्छी चीजें आती हैं, लेकिन जब आप दुआ कमाते हो तो धन के साथ सेहत, प्यार और खुशी भी आती है। जीवन दुखी होने के लिए बहुत छोटा है। क्रोध, पछतावा, चिंता और शिकायत में अपना समय बर्बाद मत करो। अपनी खुशी की जिम्मेदारी लें, इसे कभी दूसरे लोगों के हाथों में ना डालें। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सपनों का जीवन जियो। दूसरों की अपेक्षाओं और विचारों के बजाय अपनी दृष्टि और उद्देश्य के अनुसार अपने सपनों का जीवन जीने के लिए पर्याप्त बहादुर बनो। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। किसी भी परिवर्तन से घबराएं नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। कभी खुशहाल तो कहीं उदास होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी। यह जिंदगी एक सड़क की तरह है साहब, धीरे धीरे ही पार होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं कि कौन हमसे आगे है या कौन पीछे, यह भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ। जिंदगी कितनी लंबी है यह मायने नहीं रखता, बल्कि गहराई मायने रखती है। जीवन का सबसे बड़ा उपयोग यह है कि इसे किसी ऐसे चीज में लगाए जो इसके बाद भी रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में धैर्य रखना जरूरी है। धैर्य एक कड़वा पौधा है, मगर उसके फल मीठे होते हैं। जब थक जाओ तो आराम कर लो, पर हार मत मानो। बारिश के बिना इंद्रधनुष नहीं होता। चुनौतियां, असफलताएं, पराजय और अंततः प्रगति वही हैं जो आपके जीवन को सार्थक बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां करने में बिताई गई जिंदगी न सिर्फ अधिक सम्मानीय है, बल्कि बिना कुछ किए बिताई गई जिंदगी से अधिक उपयोगी भी है। हम जब तक यह जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है, तब तक यह आधी खत्म हो चुकी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से, मुरझा जाते हैं गलतफहमियों से और बिखर जाते हैं। खूबसूरती को कभी किसी चेहरे में मत ढूंढना, खूबसूरती को हमेशा लोगों के दिलों में ढूंढना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपको मिला है सबसे पहले उसके लिए आभारी रहें। यदि आपके पास पहले से मौजूद चीजों के लिए आभारी नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आप कभी खुश रह पाएंगे? गलतियां इंसान से ही होती हैं। यदि गलती इंसान से न हो तो क्या वो भगवान न हो जाए? सड़क कितनी भी साफ क्यों ना हो, लेकिन धूल हो ही जाती है, और इंसान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भूल हो ही जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी जिंदगी को कभी मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है तो बुरा वक्त अनुभव सिखाता है, और सफल जीवन जीने के लिए दोनों ही जरूरी हैं। जब हम अन्य लोगों में अच्छाई देख सकते हैं तो जीवन आसान और सुंदर हो जाता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। इंसान का स्वभाव इस तरह है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस बात को जान लो कि अफसोस की कोई कीमत अतीत को नहीं बदल सकती है और चिंता की कोई कीमत भविष्य को नहीं बदल सकती है। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल जनाब, वरना जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। मिट्टी के दीपक सा है ये जीवन, तेल खत्म, खेल खत्म। श्री कृष्ण कहते हैं, गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उनके पास रुठने और टूटने का समय नहीं होता। हम ऐसा सोचकर जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। क्या हम कभी ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर क्या कहेंगे? श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी भी बड़ी अजीब चीज है,
जो कभी सोचा वो कभी मिला नहीं, जो पाया कभी सोचा नहीं, और जो मिला रास आया नहीं, जो खोया वो याद आता है, और जो मिला संभाला जाता नहीं। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, लेकिन एक छोटा सा दीपक अंधेरे को चीर कर प्रकाश फैला देता है। वैसे ही जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा हो जाए, विवेक रूपी प्रकाश अंधकार को मिटा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। चारपाई कमाने में इंसान कब बूढ़ा होकर खुद चारपाई पकड़ लेता है पता ही नहीं चलता। इसलिए हमेशा खुश रहो, मस्त रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में इतनी गलतियां ना करो कि पेंसिल से पहले रबर घिस जाए, और रबर को इतना मत घिसो कि जिंदगी का पेज ही फट जाए। इस उम्मीद से मत फिसलो कि तुम्हें कोई उठा लेगा, सोचकर मत डूबो दरिया में कि तुम्हें कोई बचा लेगा। ये दुनिया तो एक अड्डा है तमाशबीनों का दोस्तों, अगर देखा तुम्हें मुसीबत में तो यहां हर कोई मजा लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातें समझने लगे। शेर के साथ रहोगे तो वह जीवन में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गधे के साथ रहोगे तो वह हालातों के सामने झुकना सिखाएगा। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धूप कितनी भी तेज हो समुंदर सूखा नहीं सकता, उसी तरह उम्मीदों का सागर किसी एक हार से खाली नहीं हो सकता। सफल होने के सैकड़ों रास्ते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी सफलता का रास्ता खुद चुनना पड़ता है। खामोशी से अपनी पहचान बनाते रहो, वक्त खुद बताएगा आपका नाम। छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता नहीं चलता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज अच्छे से हो तो उसे खुद कीजिए। यदि आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, यदि चल भी नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त बदल ना सके। श्री कृष्ण कहते हैं, लगातार हो रही असफलताओं से निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। अभी तक धूप में जला हूं, अब छांव देखूंगा मैं, नंगे पैर ही सही मंजिल पर पहुंचने पर ही अपने पांव देखूंगा। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है और ना ही पानी। श्री कृष्ण कहते हैं, देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा है, नजर आ जाता है, दिखावा करते हैं। कुछ लोग अपनेपन का वक्त आने पर सब कुछ समझ आ जाता है। किसी को कितना भी अपना क्यों ना मान लो, लेकिन वह आपको एक दिन अजनबी होने का एहसास दिला ही देगा। इंसान कहता है, अगर पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है, तू कुछ करे तो मैं आकर दिखाऊं। बेवजह है तभी तो दोस्ती है, वजह होती तो साजिश होती। जिंदगी में एक ऐसा लक्ष्य भी होना चाहिए जो आपको सुबह उठने पर मजबूर कर दे। श्री कृष्ण कहते हैं, जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत को ना समझ पाया वह शब्दों को क्या समझेंगे। उसका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहता। कैसे हार जाऊं मैं मेरी तरक्की की आस में, मां कब से बैठी है इन तकलीफों के आगे। एक दिन अपने नाम का भी शोर आएगा, लोगों का तो वक्त आता है अपना दौर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा हो। कमजोरियां मुझ में चाहे कितनी भी हो मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे ने अच्छा जाना मुझे, बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जैसी सोच थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। यकीन मानिए, बिना कैरियर ना कोई इज्जत है और ना सुख है, इसलिए मेहनत कीजिए और बेहतर कैरियर बनाइए। हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात, जब ले ही लिया फैसला तो पीछे हटने की क्या बात। श्री कृष्ण कहते हैं,
अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी, ये कोई चिट्ठी नहीं जो दूसरों से लिखवा लोगे। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। तराशिए खुद को कुछ इस कदर की पाने वाले को नाज हो और खोने वाला अफसोस में रहे। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी कि आसमां किसका होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है निकम्मों की जिंदगी, तो दूसरों की गलती खोजने में ही खत्म हो जाती है। अपने दुख में अपना सारथी खुद बनिए, क्योंकि इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का कृष्ण नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य आपकी कदर नहीं करता और ना ही आपका सम्मान करता है, ऐसे मनुष्य के साथ रहने से अच्छा है कि आप संसार में अकेले रहें। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने जीवन में धन दौलत ऐश्वर्य और प्रसिद्धि को हासिल करता है परंतु संतुष्टि को हासिल नहीं कर पाता, ऐसा मनुष्य जीवन भर दुखी रहता है। और जो मनुष्य थोड़े से संसाधन में भी संतुष्ट हो जाता है, वो मनुष्य जीवन भर सुखी रहता है। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है, वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करें। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन के अंतिम समय में मेरा संस्मरण करते हुए अपने देह का त्याग करेगा, वो मनुष्य मेरी शरण में आता है और जीवन के मोह माया से मुक्ति प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वो ज्यादा बड़ी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से हजार गुना प्रभावशाली और स्थायी होती है। क्रोध तो दो क्षण का होता है, परंतु उसका दुष्परिणाम जीवन भर भुगतना पड़ता है। जब ज्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए वो इंसान अंदर से टूट चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपका शांत एवं स्थिर दिमाग ही आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है। ईश्वर पर अटूट आस्था व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने का साहस देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमता और ज्ञान को हमेशा अपना गुरु बनाओ, अपना गुरूर नहीं। कुछ क्षण की शांति के लिए प्रतिदिन सत्यों को निरंतर अनदेखा कर दिया जाता है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। इंसान भूल करके सीखता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वह जीवन भर भूल करता ही जाए और कहे कि हम सीख रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां जीवन का हिस्सा है, पर उनको स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। दूसरों को जानना ध्यान है, स्वयं को जानना आत्मज्ञान है। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। लोग बिना बात का ध्यान देंगे साथ नहीं। हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं, इसलिए कर्म सोच समझ कर कीजिए। जीवन में वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो देर से मिलते हैं वो दूर तक चलते हैं, सब्र और भरोसा रखिए। जिंदगी की दौड़ में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा सकते, वह आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। तूफान में कश्तियां और घमंड में हस्तियां अक्सर डूब ही जाते हैं। अच्छे कर्म ही मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा धर्म और सत्य के साथ खड़े रहे, भले ही आपको अकेले रहना पड़े। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है।
जिंदगी आपको वो नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी आपको वो देगी जिसके तुम काबिल हो। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छा को कभी मरने नहीं देता। कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। गिरे हुए पत्तों ने सिखाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों से अपने मतलब के लिए बात करने वाला व्यक्ति अंत में अकेला ही रह जाता है। परिवार का साथ आपको हर मुश्किल से निकाल सकता है, केवल आत्मविश्वास होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हीरा परखने वाले से अधिक महत्वपूर्ण पीड़ा परखने वाला होता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। जहां अपना वश नहीं है वहां मोह करना ही दुख है। अहंकार के वृक्ष पर विनाश का ही फल लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि असल में मूर्ख कौन है। जब संदेह की मात्रा अत्यधिक हो तब निर्णय लेने में समय लगाना अधिक लाभकारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जो कमाई जाती है, पाई नहीं जाती। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। तीन चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। श्री कृष्ण कहते हैं, फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। एक बात हमेशा याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें मनुष्य का सब कुछ दिखाई देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों को हानि पहुंचाकर अपना हित चाहता है वह मनुष्य अपने लिए दुख का बीज बोता है। युद्ध से पहले तुम डर जाओगे तो तुम मरने से पहले ही मर जाओगे। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। दो बातों से बचकर रहें, मुझे किसी की जरूरत नहीं है अहम, सबको मेरी जरूरत है अवहम। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। जिंदगी आपको वो नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी आपको वो देगी जिसके तुम काबिल हो। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छा को कभी मरने नहीं देता। कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। गिरे हुए पत्तों ने सिखाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों से अपने मतलब के लिए बात करने वाला व्यक्ति अंत में अकेला ही रह जाता है। परिवार का साथ आपको हर मुश्किल से निकाल सकता है, केवल आत्मविश्वास होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हीरा परखने वाले से अधिक महत्वपूर्ण पीड़ा परखने वाला होता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। जहां अपना वश नहीं है वहां मोह करना ही दुख है। अहंकार के वृक्ष पर विनाश का ही फल लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि असल में मूर्ख कौन है। जब संदेह की मात्रा अत्यधिक हो तब निर्णय लेने में समय लगाना अधिक लाभकारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जो कमाई जाती है, पाई नहीं जाती। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। तीन चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। श्री कृष्ण कहते हैं, फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी।
एक बात हमेशा याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें मनुष्य का सब कुछ दिखाई देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों को हानि पहुंचाकर अपना हित चाहता है, वह मनुष्य अपने लिए दुख का बीज बोता है। युद्ध से पहले तुम डर जाओगे तो तुम मरने से पहले ही मर जाओगे। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी आसान तब होगी जब दूसरों से उम्मीद कम और खुद पर ज्यादा यकीन हो। क्रोध हो या आंधी हो, जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए, वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना दूसरों की अच्छी बात। भलाई करने वाले को बुराई कभी पराजित नहीं कर सकती। मनुष्य की सोच और विचारधारा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। मौन रहना अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी खामोशी को ना पढ़ पाए उसे बोलकर अपना दुख बताना समय व्यर्थ करने जैसा है। अगर प्रतीक्षा सीमा से अधिक हो जाए तो मिलने का मोह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आप जिसे बल से नहीं हरा सकते उसे बुद्धि से अवश्य हरा सकते हैं। गति के लिए चरण जरूरी है और प्रगति के लिए आचरण जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डूबा ही देता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे बड़ा धनवान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। जय श्री राधे कृष्ण। उम्मीद है आपको श्री कृष्ण की अनमोल वाणी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूले। धन्यवाद।